इसके बाद आता है आदि पुरुष का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है कैरेक्टर के लुक्स। अगर हम आदि पुरुष के सभी कैरेक्टर्स के लुक्स की बात करें तो इस मामले में मूवी के मेकर्स ने क्या ही हगा है। सबसे पहले बात करते हैं राम जी को लेकर। आज तक हमने राम जी को बिना मूंछ के ही देखा है, फिर चाहे वो रामानंद सागर की रामायण हो या फिर और कोई ड्रामा वाली रामायण। लेकिन आदि पुरुष में राम जी को मूंछ लगाकर उन्हें एंग्री लुक दिया गया है, और इसके पीछे डायरेक्टर ने वजह भी बताई है। डायरेक्टर का कहना है कि राम जी जब वनवास कर रहे थे तब उन्हें मुंह चुक गई होगी, लेकिन उसके साथ उन्हें दाढ़ी भी तो उग सकती थी, मतलब दाढ़ी और मूंछ दोनों भी तो उग सकती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूंछ का ही लॉजिक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर सिर्फ मूंछ का ही लॉजिक बता रहे हैं। सिर्फ मूंछी की उगते हुए दिखाई गई है। कम से कम वनवास के पहले के सीन में उन्हें बिना मूंछ के दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्हें जीसस बना दिया है। मतलब क्या ही लुक है, राम जी बन गए जीसस। तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि राम जी के रोल के लिए प्रभास को कास्ट नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उनका मेकओवर अगर ऐसा किया गया होता तो वो ज्यादा बेटर रहता किसी और एक्टर के कास्ट करने से। तो आगे बढ़ते हैं सीता माता के कैरेक्टर की तरफ। वैसे सीता माता के रोल के लिए कृति सेनन से कोई भी शिकायत नहीं है, वो रियल में सीता लगी है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन रोल तो परफेक्ट ही किया। आगे बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर्स की तरफ। तो लक्ष्मण के रोल में सनी सिंह काफी कम एनर्जेटिक और डल लग रहे हैं, तो वही हनुमान जी वेरी लो अपीलिंग लग रहे हैं। उनकी बॉडी तो काफी अच्छी है, लेकिन हाइट बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब आप लोग खुद ही सोचो, कहा 80s के रामायण में अपने छाप छोड़ते हनुमान बने लंबे चौड़े दारा सिंह, और कहा ये हनुमान का बवासीर बना दिया हो। और उनकी दाढ़ी के तो क्या ही कहने, उनकी दाढ़ी तो एकदम माशाल्लाह लग रही है, और वो भगवान जैसे तो फील ही नहीं हो रहे हैं। तो वही विभीषण की बात करें तो वो आज के जमाने के दिल्ली के किसी लोंडे लपाड़ी की तरह लग रहे हैं। तो वही इंद्रजीत बने अपने टार्जन वाले राज, अपने पूरे बदन पे टैटू बना के बिल्कुल सस्ते एक्वामैन लग रहे हैं, वो भी विद डीसी का अंधेरा। और तो और इस मूवी के वानर सेना देखो भाई, ये वानर तो बिल्कुल पुष्पा लग रहा है। अभी बचे सिर्फ लंकापति दशानन रावण, जो कि सिर्फ सीता हरण के सीन में ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब 80s वाले रामायण से भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बाकी हर जगह वो पूरी तरह से छपरी रीलर ही लग रहे हैं। रावण को तो एकदम आज के जमाने की हेयर स्टाइल और बियर्ड लुक दी गई है, मतलब हेयर कट करवाने के लिए रावण कलयुग में आया और वापस चला गया। तालियां होनी चाहिए यार इनके लिए, मतलब क्या मास्टरपीस बनाया है। और तो रावण के कपड़े देखो भाई लोग, पूरी तरह से ब्लैक,